फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये है 13 सितंबर की वीडियो। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी उपमा, और नाश्ते में उपमा ही बनी थी और फटाफट से बना रहे थे। तो मैं सोची आज काफ़ी दिन हो गए तो यही बनाती हूँ। और दोपहर में बने थे एग मसाला करी। तो एग मसाला करी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और हमारे उधर तो अंडा कड़ी बिल्कुल होल एग की बनती है, और मैं यहाँ पे एग को कट करके बनाई हूँ। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में बनाई थी उपमा, इसमें सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे अंडे बॉईल हो रहे हैं, मैं बनाऊँगी अंडा कड़ी थोड़ी सी दूसरी स्टाइल से, और कढ़ाई में बनाऊंगी इसी में मैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी, साथ ही तेज पत्ता। इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज, यहाँ पर मैं प्याज ऐड कर दी हूँ, साथ ही इसमें थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दूँगी सब्ज़ी के हिसाब से। रोटियों में खाना है तो ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, बस इसे भूनती हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली थी बहुत तीखी है, वो भी ऐड करूँगी। यहाँ पे प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूँगी, और अंडे भी बॉईल होंगे अभी 5-6 मिनट और। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ, और हरी मिर्ची भी, और इसे अच्छा सा थोड़ा भूनती हूँ 1 मिनट के लिए। फिर टमाटर ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं टमाटर ऐड करूँगी, इसे भी 1 मिनट भूनने के लिए। फिर मसाले ऐड करूँगी, यहाँ मैं हल्दी ऐड की हूँ अभी, साथ ही इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्ची पाउडर जो कलर वाली होती है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ी सी और जाएगी। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी, चिकन मसाला पाउडर, इसे अच्छे से भूनूंगी 1-1.5 मिनट तक, थोड़ा पानी डाल करके इसे भूनूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और फिर भूनूंगी अच्छे से। मैं इनको लो करूंगी, अब लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से भूनूंगी मैं इसे। तो अंडे बॉईल हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम मैं कर दी हूँ बंद, 5 मिनट तक इसी में रखूँगी, फिर ठंडे पानी में डाल के 5 मिनट छोड़ूंगी, फिर इसे मैं छील के कट करूँगी। और यहाँ पे मसाले अभी भून रहे हैं, भूने में रखे हैं, अभी भूनेंगे ये अच्छे से। यहाँ पे लगभग मसाले भून चुके हैं, थोड़े से और भूनेंगे 2-3 मिनट, थोड़ा सा फ्लेम में हाई करूँगी और इसे भूनेंगे। ये हमें इस तरह से अंडे को कर दी थी, जिससे कि छिलके आसानी से ऑलमोस्ट निकल गए हैं और अच्छे से निकलते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं छील लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून चुका है, यहाँ पे मैं करूँगी हाई, और ये अंडे को मैं इस तरह से कट कर ली हूँ, अंडे को इसमें इस तरह से पलट के डालूंगी, ताकि ये योग है अच्छे से इसी में इंटैक्ट रहे, निकले नहीं। मसालों को मैं साइड करूँगी और अंडे को अच्छे से थोड़ा रोस्ट करूँगी, तीनों हथियार को चलाने के लिए। ये हमारा बन रहा है अंडा मसाला इस तरह से।
चीज़ थोड़ा अलग पलट के सेम सेकते हैं, ये थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। इन अंडों को मैं पलट दूँगी ताकि दूसरे साइड पर भी अच्छे से थोड़ी ब्राउन हो जाए। ये सालों को साइड करूँगी ताकि अंडे अच्छे से इसे आप तवे पर भी बना सकते हैं, पर ये लोगों की कढ़ाई है तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से बन जाती है। थोड़ा सा हमें बर्न करना रहता है इसे। चलिए अभी हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसे पकाते हैं हम, तो वो सब फ्लेम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अंडा मसाला जो है लगभग हो चुका है, छोटा फट से रोटियाँ बनाती हैं और इसे मैं सर्व करूँगी। चलिए प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अंडा मसाला बन करके रेडी है, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे हमारी अंडा मसाला बन करके रेडी है और यहाँ पे मैं लंच निकाली हूँ अपने और बेटे के लिए। तो एक जगह प्लेट में आपको निकाली हूँ मैं अंडे मसाले को और अलग अलग प्लेट में रोटियाँ निकाली हूँ। तो लंच कर लेती हूँ फटाफट से और आगे मैं अपने कास्ट आयरन की कढ़ाई को कैसे केयर करती हूँ मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ किचन वगैरह में सब साफ कर दी हूँ और इस लोहे वाली कढ़ाई को तो थोड़ी सी गर्म कर दूंगी ना, तो इसका पानी सूख जाएगा एक मिनट में, फिर मैं गैस में फ्लेम बंद करके छोड़ दूंगी। इससे क्या है ना, इसमें रस्ट नहीं लगते हैं। पूरा घर ही अंधेरा है। बनाऊंगी चाय, पूरा घर अंधेरा है। पहले लाइट जला देती हूँ, सीढ़ी रूम में दे रहा है, एक लाइट जलाती हूँ फिर एक बाद में जला दूंगी, क्योंकि 4:30 भी नहीं हुए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहारा जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है ठंडा आ गया है। ये खाने बनाने वाला कपड़ा धुल के रखे हैं। तो कॉफ़ी कहाँ है देखती हूँ, बड़ी वाली एक पैकेट थी पता नहीं कहाँ रखी हूँ, इसमें चेक करती हूँ शायद हो। मन कर रही है कॉफ़ी पीने की, हल्दी नहीं है, हल्दी ये है, धनिया सरसों नींबू पस्सी है, इसमें तो है नहीं। यहाँ पे है छोटी वाली पाउच, ये बड़ी वाली कहाँ गई पता नहीं। ये कॉफ़ी देखती हूँ और इसमें क्या क्या, इसमें करी पत्ता है, ये मिल्क पाउडर है, ये ब्राउन विनेगर क्या बोलते हैं इसमें, एप्पल विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, इसमें थोड़ी काजू, ये कस्टर्ड पाउडर और ये नारियल पाउडर, इसमें है गुड़ जो कि कागज़ में करके रखी हुई है। यहाँ ये मोला क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट दिखाती हूँ क्या इसमें खुल जाओ खुल जाओ। तो ये है वो सब गुल भुस्सी, सब गुल भुस्सी कहते हैं, ये वही है, ये इसमें कॉफ़ी निकली है। तो इसे यहाँ पर रखती हूँ एक पाउच, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं किसी दिन। फिलहाल मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं खांड ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं खांड ऐड कर दी हूँ, थोड़ी सी और ऐड की हूँ इसमें। यहाँ पे मैं कॉफ़ी ऐड की हूँ, लाइट जलाती हूँ थोड़ा, अब थोड़ी रोशनी आ रही है, तो इसे अच्छे से भी हमें खौलाना है ताकि थोड़ी ऐसे झाग सी बने इसमें। बेटे ने तो मना कर दिया है, पर होंगी तो पिएगा ज़रूर कॉफ़ी। थोड़ी सी अच्छे से मैं बॉईल कर लेती हूँ कॉफ़ी। यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है, तो इसे मैं अब छानूंगी।
चीनी कॉफ़ी को निकालते हैं। कप में कॉफ़ी भी शायद ज़्यादा ही बन गई है, कोई नहीं फिर पी लूँगी। यहाँ पे हो रही है वीडियो एक्सपोर्ट, आप देख सकते हैं ये 11 सितंबर की वीडियो और अभी बज रहे हैं 7:17 हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7:17 हो चुके हैं, तो वीडियो हो रही है एक्सपोर्ट, उसके बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आवाज़ आ रही है गाड़ियों की आवाज़। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई, जिसे भिंडी को मैं कट कर ली थी और दोनों तरफ से स्लिट कर ली थी क्रॉस क्रिप्स क्रिस्प में, मैं दिखाऊंगी कभी। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर कट की हूँ, अदरक को ग्रेट की हूँ, लहसुन कट की हूँ, एक हरी मिर्च को भी मैं डालूंगी इसमें। तो सबसे पहले मैं भिंडी को डाल करके और अच्छा ब्राउन करके निकालूंगी। तो मैं देख सकते हैं दो प्याज है, एक बिग साइज टमाटर है, लहसुन कटी हुई है ग्रेटेड नहीं है, अदरक ग्रेटेड और एक हरी मिर्च है। तो यहाँ पे मैं तेल में जीरा हींग डालने के बाद इसे मैं भी थोड़ी सी हाई फ्लेम पर हल्दी नमक डाल करके और ब्राउन करके इसे मैं भूनूंगी भिंडी को। अभी मैं नहीं ढकूंगी, ढकूंगी थोड़ी देर में, जिससे कि थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए भिंडी। और थोड़ी सी आमचूर भी डालूंगी, जिससे कि थोड़ी सी चटपटी और मसालेदार भिंडी बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो एक जो लिसलिसापन होता है ना, वो नहीं होता है भिंडी फ्राई में, और भिंडी फ्राई की जो टेस्ट है बहुत अच्छी लगती है। आप रोटी पराठी किसी के साथ में भी खाएं, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो यहाँ मैं मिर्ची को स्लिट कर ली हूँ और ग्रेटेड अदरक और लहसुन को ऐड कर दी हूँ, साथ ही प्याज भी इसमें मैं डाली हूँ। अब इसे मैं भूनूंगी और मैं भिंडी के हिसाब से पहले नमक ऐड की थी और थोड़ा नमक मैं बाद में भी इसमें ऐड करूँगी, पहले मैं इसे भी भून लेती हूँ 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे मैं भिंडियों को भूनने के बाद ढक दी थी, जिससे कि जो भिंडी है थोड़ी सी पक जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जिसमें कि हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला और करीबन 1/2 टीस्पून जैसा मैं इसमें आमचूर ऐड की थी, ज़्यादा ऐड नहीं की थी, वरना जो भिंडी है ना ज़्यादा खट्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें टमाटर भी ऑलरेडी से ऐड की हुई है। तो आप आमचूर की जो क्वान्टिटी है वो कम ही रखें। और ये मैं करीबन 1/2 kg भिंडी बना रही हूँ और भिंडी हस्बैंड 2 जगह ले आए थे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ा, ताकि जल्दी कंज्यूम हो सके, जल्दी ख़त्म हो सके। साथ ही अभी मैं टमाटर को भी ऐड कर दी हूँ, अब इसे मैं ढकते हुए पकाऊंगी, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी इसके साथ में भुने। और जब लोहे की कढ़ाई में ये भुनती है ना, तो बहुत अच्छी टेस्ट लगती है। लोहे की कढ़ाई की आप किसी में भी ये सब्ज़ी को बना करके देखिएगा, आपको भिंडी फ्राई बहुत अच्छी लगती है। और जो आलू वगैरह थोड़ा कम खाते हैं ना, उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी फ्राई, या फिर भिंडी की और भी सब्ज़ियाँ बनती हैं तो आप खा सकते हैं। तो इसे ढकते हुए 3 से 4 मिनट में अभी और पकाऊँगी। तो यहाँ हमारी भिंडी फ्राई बन के रेडी है। यहाँ मैं आटा गूंद के रख ली हूँ, रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ डिनर के लिए, अभी हम लोग डिनर करेंगे। यहाँ पर है 13 तारीख की वीडियो, तो फ्राइडे थी उस दिन, तो उस दिन हस्बैंड मेरे और बेटे के लिए एग रोल लेकर गए थे, तो हम लोगों ने डिनर में वही किए थे। और यहाँ पर मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए डिनर निकाली हूँ। मेरे हस्बैंड डिनर कर चुके थे, तो मैं बर्तन वगैरह धुली, किचन साफ कर दी, कढ़ाई को भी मैं गर्म कर दी थी धुल करके, ताकि रस्ट ना लगे। और यहाँ पर भर रही है आरओ में, आरओ से पानी, और यहाँ पे भर रही है। और यहाँ पे मैं गरम थी काफ़ी कढ़ाई, तो इसे मैं चूल्हे से उतार करके रख दूँगी। किचन वगैरह क्लीन है तो लाइट बंद करूँगी, अब छत पे जा कर के आधा घंटा हस्बैंड और बेटा हम टहलेंगे। छत पे चले, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, अब कपड़ा उठाना है। कल अजीब सा स्मेल था उसमें, अजीब सा स्मेल था, सब सूख गया कपड़ा, सब वो कपड़ा सूखा कंबल सूख गया, सब उठा लेते हैं पहले फिर बैठेंगे। कुछ कपड़ा सूखा नहीं है, नीचे डालना पड़ेगा, कुछ सूख चुका है। बारिश बहुत तेज हो रहा है, तेज नहीं दिन भर हुआ है एकदम कंटिन्यू। क्या चल रहा है लूडो में गेम, और ये येलो मेरा था, हम जीत चुके हैं, अभी का चल रहा है, कौन जीतेगा मैं लास्ट में दिखाऊंगी।
कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग मसाला की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और भिंडी फ्राई जो रेसिपी में बनाई थी वो भी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और यहीं पे आप पॉज करके बताइएगा कि इस लूडो को गेम में हस्बैंड और बेटे में से कौन जीता था। तो चलिए, जो नए हैं बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस में कौन जीता था। तो पॉज करके पहले आप कमेंट कीजिएगा, फिर आगे आप देखिए कि कौन जीता है और लास्ट में आपको पता चला कौन जीता था इसमें। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट आई थी।